इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल में एक बेहद बड़ी घटना घटते घटते बची है। दरअसल जब विराट कोहली और केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे तो एक पैलेस्टाइन सपोर्टर इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद मैदान में आ गया और विराट कोहली को उन्होंने पीछे से हक करने की कोशिश की, गले लगाने की कोशिश की। उस पैलेस्टाइन सपोर्टर ने एक टी शर्ट पहन रखी थी जिसपे लिखा था स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टाइन। उनके हाथ में, उस सपोर्टर के हाथ में पैलेस्टाइन का फ्लैग था और मास्क भी वैसा ही लगा था। इसके बाद जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सिक्योरिटी पे जो सवाल खड़े हुए हैं, सारे सोशल मीडिया पे लोग और हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम दुनिया का और इतना बड़ा जहाँ पे गेम खेला जा रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी से ऐसे चूक हुई कैसे? पैलेस्टाइन सपोर्टर की सिक्योरिटी ब्रीच के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम सिक्योरिटी पे सवाल उठाए गए कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल मैच में, हाई प्रोफाइल इवेंट में, इतने बड़े स्टेडियम में, क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेडियम में, जहां पे नरेंद्र मोदी के आने के भी आसार है, जहां पर 1,25,000 जनता मैच देख रही है, वहां पर सिक्योरिटी से आखिर चूक कैसे हुई? मैच के पहले कहा जा रहा था कि आपने काफी पुलिस इंस्पेक्टर्स वहां पे, सुरक्षा कर्मी वहां पे लगाए हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा सोशल मीडिया के पे कि ऐसी टी शर्ट पहन के जब वो आए, जब उनके पास पैलेस्टाइन का झंडा था, खैर वो अगर उन्होंने, पर वहां पे चेकिंग कैसे हुई? मैदान तो छोड़ी है, उनकी चेकिंग स्टेडियम के बाहर कैसे नहीं हुई? यहाँ पर अगर कोई चूक हो जाती, अगर एक तरफ जहाँ पे इजराइल और हमास का महायुद्ध चल रहा है और यहाँ पर अगर गलती से भी सिक्योरिटी से जो चूक हुई है, यहाँ पर अगर कोई अनहोनी हो जाती तो ये बेहद बुरी बात होती, बेहद दुख की बात होती। लेकिन अभी ये मुद्दा खत्म नहीं होगा, यहाँ पर लोगों को किसी ना किसी को इस सवाल के जवाब जरूर देने पड़ेंगे।